नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। पाए थे उनका रोजगार भी चला गया। चुनावी बिगुल बजते ही चाय की दुकानों पर हो रही चुनावी चर्चा। लाइव टीवी समाचार टीमें चला रहे हैं चुनावी स्टंट। आखिर 2022 में होगी किसकी सरकार? चाय की चुस्कियों के साथ लोगों ने बताया होगी किसकी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट। इनकम वैसी है अब सरकार। पाए थे उनका रोजगार भी चला गया, रोजगार देने के बजाय रोजगार ही चला गया। आप भाई साहब क्या नाम है आपका? अनिल द्विवेदी। आप किसका समर्थन कर रहे हैं, किसकी सरकार लाना चाहते हैं? अब सरकार तो देखिए किसकी आती है, एंटी इनकम वैसी जरूर है सरकार के, वर्तमान सरकार के प्रति एंटी इनकम वैसी है। अब सरकार किसकी आएगी आने वाला समय बताएगा। एंटी इनकम है जी जी। तो ये क्यों? अब ये बहुत सारे रीजन है, जैसे गाँव में आवारा पशु टहल रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, बहुत सारी फसलें सब एकदम चट कर जा रहे हैं, ये सब बहुत सारे दिक्कत हैं। रोजगार रोजगार तो इन्होंने बहुत सारे दिए, जैसे 69,000 दिया। रोजगार जो दिए होंगे, बहुत सारे नहीं भी दिए हैं, बहुत सारी धांधले गर्दी भी है, सब कुछ है, चल रही है। मतलब वर्तमान सरकार के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिससे उसको नुकसान पहुँच सकता है। बिल्कुल पहुँच सकता है। आपने देखा वर्तमान सरकार का नुकसान कहीं आवारा पशुओं का है, कहीं हमारा पशुओं को लेकर लोग मुद्दा बना रहे हैं, कहीं बेरोजगारी का मुद्दा बना रहे हैं, कहीं जो रोजगार पाए उसका मुद्दा बना रहे हैं। आइए इन भाई साहब से हम जानते हैं कि वर्तमान समय में आप, क्या नाम है भाई साहब आपका? विनोद गौतम, एडवोकेट, मैं सिविल कोर्ट में वकालत करता हूं। जी जी जी। आज आप यहां घूमने के लिए वैसे ही चले आए क्या? हाँ, ऐसे मैं आया करके खड़े हो गए आप लोगों के देखने के लिए। और आज जो बात चल रही, समय पर स्थितियाँ चल रही है, पूर्ण रूप से जनता जो है समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है और समाजवादी पार्टी की पूर्णता सरकार बनेगी और आने वाले समय में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। आप जो है अधिवक्ता हैं, आपके एक जो है आपके कार्यकारिणी बार काउंसिल, आप उत्तर प्रदेश के एक कार्यकारिणी सदस्य जी, यह अनवरत कहते नज़र आते हैं कि हर मीटिंगों में कहते नज़र आते हैं कि अखिलेश की जब सरकारें रहीं तो उन्होंने कई न्यायालयों में बम विस्फोट हुआ, उसमें उन्होंने आतंकवादियों का समर्थन किया, अधिवक्ताओं का विरोध किए, लेकिन वर्तमान में आप कहते हैं कि अखिलेश जी की सरकार बनेगी। अगर अखिलेश जी की सरकार बनती है तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सरकार के देखिए जिम्मेदारी होती है, कोई भी सरकार आएगी और अधिवक्ताओं, एक ऐसा न्यायालय से मामला जुड़ा हुआ है तो सरकार का दायित्व तो है, लेकिन सरकार जो है चाहे न्यायालय बनवाना हो या बार काउंसिल के लिए तमाम सुविधाएँ, तो चाहे जो भी सरकार आएगी करती रहेंगी, लेकिन इस समय जो है हम उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहते हैं। ये तो सरकार का काम है, आएगी माने विकास कार्यों को दे, लेकिन इस समय जनता पूरी तरह से योगी सरकार से नाराज चल रही है। ये देखिए, मैं अधिवक्ता बंधु से बात किया और हमारे अधिवक्ता ये बंधु बता रहे हैं कि कुछ उनके ऐसे भी मुद्दे हैं कि पूर्व की सरकारें, चाहे वो अखिलेश की सरकार रही है, मुलायम सिंह यादव की सरकार रही, इनका कहना है कि बार की बिल्डिंगों को उन्होंने बनाया, वर्तमान सरकार ने बार काउंसिल और अधिवक्ताओं को इग्नोर किया, इसका भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। वर्तमान देखिए, हम भाई साहब जानते हैं जी, चाचा क्या नाम है आपका? दुर्गा शंकर उपाध्याय। आप का व्यवसाय क्या है? टीचर अध्यापक हैं आप। इंटरमीडिएट में है क्या? हाँ, इंटरमीडिएट। तो ये आपकी क्या लग रहा है कि आपकी अखिलेश जी आएंगे कि योगी जी आएंगे, कि सरकारें किसकी अच्छी रही पूर्व में, अध्यापकों का हित किस सरकार ने किया, ऐसा कुछ आपके पास कुछ मुद्दा है आपकी चुनावी स्टंट में? अब सरकार तो किसकी आएगी ये अनुमान ही लगाया जा सकता है, वास्तव में फाइट तो है ही है, लेकिन अब सरकार कौन अच्छी थी कौन नहीं, इस विषय पे यह सरकार अच्छी है कई प्रकरण पे, इसमें निष्पक्षता है, हिंदू हो मुसलमान हो फला हो परवंशी जाति हो, सबको हर चीज़, सब जिसको मकान मिलना सबको मिलना है, राशन मिलना सबको मिलना, उसमें यह नहीं जैसे अखिलेश सरकार में किया गया था पढ़े बेटियां बड़े बेटियां, जिसमें मुस्लिम के लड़की अगर इंटर पास करती है 30,000 रुपये मिलता था और किसी को नहीं। उस समय एक सबसे बड़ी बात गड़बड़ थी, अनुसूचित जात का एक भी वर्ष का स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ मैं जानता हूँ।
जैसे अभी ओबीसी को मिला था, ये मर्सा को मिला था। एक मेरी बात का जवाब दीजिए कि वर्तमान जो है हमारे अभ्यर्थी जो 69,000 के अभ्यर्थी हैं, 68,500 के अभ्यर्थी हैं, वो सरकार पर आरोप लगाते हैं कि मेरे रोजगार को दिया नहीं जा रहा है, मैं योग्य व्यक्ति हूँ। टीटी की परीक्षा कुछ अभ्यर्थियों की कैंसिल हो जाती है, अभ्यर्थी वहाँ पहुँचते हैं और परीक्षा पता लगता है कि परीक्षा कैंसिल हो गई, उनका किराओं का नुकसान हो जाता है, कहीं से इकट्ठा करके गाड़ियाँ बुक करके जाते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये दुर्भाग्य का विषय है। और कब इसके पहले या इस समय भी अगर ऐसा हो रहा है तो बड़ा ही गड़बड़ है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लोग पकड़े जा रहे हैं। और वास्तव में क्या है कि मशीन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही इस पर अंकुश लगा देगी और लगा रही है। अब आदमी इतना विचलित होगा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार में भी कमियाँ हैं लेकिन जिस जगह पर जो है वो वहीं पर गड़बड़ है। ये बाबू को भी सुधारना पड़ेगा, टीचर को भी सुधारना पड़ेगा, कर्मचारी को भी सुधारेगा कौन? ये कुछ अपनी भी आत्मसत्ता जगनी चाहिए लोगों की। वही बाबू ने किया, ये जो गुरुजी वही अभी जो गुरुजी वही अभी पिछली जब सरकारें थी, ये देखिए यही अपने को भी सोचना चाहिए सर कि मैं सर पिछली सरकारें रही हैं, उसमें जब कहीं पेपर आउट होता रहा तो इन्हीं योगी की सरकार के कुछ ऐसे नेता रहे कि जो इस पर धरना प्रदर्शन करना, रोड पर को जाम करना, तो इनके ही सरकारों में इनके बाबू नहीं सुधर रहे, इसका कारण क्या है? हाँ, इस पर अंकुश कोई सरकार नहीं लगा पाई, ये बिल्कुल सही कहा, मतलब मैं मान रहा हूँ। लेकिन आज के माफिया राज, गुंडागर्दी और समानता प्रदर्शित करने में ये सरकार अच्छी है। विकासवादी सोच, एक ही जगह संकुचित दृष्टिकोण नहीं है, ये इतनी अच्छी बात है। लेकिन ये निश्चित है कि बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जिनको पूर्ण नहीं कर पा रही है। जी, आइए हम ये आगे, जब मैंने बढ़ा तो देखा कुछ लोग चुनावी चर्चाएं कर रहे थे या चुनावी चर्चाएं, ये गुरुजन बंधु हैं, ये निश्चित रूप से एक प्रबुद्ध समाज है। और प्रबुद्ध समाज ये चाहे वो अधिवक्ताओं का एक प्रबुद्ध समाज है, गुरुजन बंधु हैं, ये निश्चित पथ प्रदर्शक होते हैं, कि नवयुवकों के पथ प्रदर्शक हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान सरकार में क्या कमियां रहीं और पूर्व की सरकारों में क्या कमियां रहीं, या सरकार किसकी आती है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। जी आप क्या नाम है आपका? राज नारायण उपाध्याय। जी, इसको मास्क आपने लगाया है, आप ओमिक्रॉन आप को कुछ असर करता दिखाई दे रहा है? असर तो है, ये फैल रहा है, सही फैल रहा है, झूठा फैल रहा है। अच्छा जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप गुरुजन बंधु? किस पर? कि वर्तमान चुनावी स्टंट है और आप क्या जानते हैं कि वर्तमान सरकार रहेगी कि या पुरानी सरकारें? वर्तमान सरकार को जाना चाहिए। क्यों, क्या कारण है? तमाम मुद्दे हैं, किसान मुद्दों को आप दो तीन मुद्दों को बता दीजिए। किसान व्यथित है, महंगाई है, नौजवान व्यथित है, इनका सारा सिस्टम निजीकरण की तरफ है, सार्वजनिक जीवन सार्वजनिक नौकरियों से हट करके है, सारे लोग व्यथित हैं, व्यवसायी व्यथित है, सब व्यथित हैं। केवल अन्न दे दीजिए, चावल गेहूँ दे देते हैं, लेकिन कड़ुआ का तेल 200 रुपये महंगा है और इससे सारे लोग प्रभावित होते हैं। अभी आपके एक सहयोगी गुरुजी बता रहे थे, मास्टर साहब बता रहे थे कि इस सरकार में सर्व विकास, सबका विकास हो रहा है। नहीं, तो केवल पूंजीपतियों का विकास हुआ, देश की संस्थाओं को बेच डाला गया, जो रत्न बनाया था पिछली सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर, सारे रत्नों को सारे संस्थाओं को बेच डाल करके निजी हाथों में अडानी और अंबानी के हाथों में दे दिया गया। ये जैसे ये तो कहते हैं कि मैं रोड हूँ, हाईवे का विकास करता हूँ, मतलब मेरी बात सुनिए आप पहले, हाईवे का विकास करता हूँ। पुरानी सरकारें जैसे चाहे माननीय मायावती बहन जी की सरकार रही, उस बहन जी की सरकार में मूर्तियों का विकास किया गया, पार्कों का विकास किया गया, उससे हर व्यक्ति तक कोई लाभ नहीं पहुंचा। तो ये सरकार कहती है कि मैं तो सड़कें बना रहा हूं, लोगों को अन्न दे रहा हूं, लोगों के पेट भर रहा हूं, इससे वास्तव में है क्या? देखिए, मूर्तियों का विकास गलत था, इसीलिए उनकी सरकार चली गई, आदमी त्रस्त हुआ तो सरकार चली गई और अब बहुत पीछे हैं वो। मैं यद्यपि बहुत पहले उन्हीं का समर्थक था, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट हूँ, बहुत पीछे है। जहाँ तक रोड हाईवे बनने का है, 50 किलोमीटर के दूर पर दो दो टोल लगा दिए गए हैं, यहाँ से लखनऊ जाइए, दो टोल लगे हैं,
आते जाते समय जितना तेल खर्च होता है उतने टोल सरकार आप किसकी बना रहे हैं? सरकार मैं जो भाजपा को हराएगा उसी को वोट करूंगा। जैसे किसको मार रहे हैं कि कौन हरा सकता भारतीय लड़ाई में जो देखने में आता है सपा है लड़ाई में, सपा लड़ाई में है, इसका मतलब मानते हैं अखिलेश जी आएंगे? आ सकते हैं, आना भी चाहिए। इनकी अच्छाइयां कुछ रही है क्या? अच्छाइयां बुराइयां डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सभी हमाम में सभी नंगे हैं। ठीक, ये सर आप क्या नाम है आपका? विजय नारायण मिश्र। आप क्या कहना चाहते हैं चुनावी स्टंट के बारे में? वास्तव में किसकी सरकार आनी चाहिए? भाजपा की तो नहीं आनी चाहिए। भाजपा की नहीं आनी चाहिए? पंडित जी जैसे ये मान रहे हैं माननीय दिनेश शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ब्राह्मण मेरे साथ है, हैं? अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि आज तक का डिबेट हो रहा था, आज तक के डिबेट पे आपकी एक मंत्री महोदया बैठी थी, वो बता रही थी कि ब्राह्मण हमारे साथ है। आप तो ब्राह्मण है, क्या कारण है आप नहीं रहेंगे भाजपा के साथ? ब्राह्मण की कोई सुना जा रहा है किसी साथ इस सरकार में? कोई बात सुनी जा रही है? तो सरकार आप किसकी ला रहे हैं? हम सरकार तो जो है अभी नहीं कह सकते किसकी ला रहे हैं। कब कहेंगे यार? नहीं अभी नहीं। किसकी नहीं, किसको आप किसको समर्थन कर रहे हैं? जो इनके विरोध में आगे आएगा उसी की सरकार। किसकी लग रही है कि कौन सरकार आ रही है? सपा ही आए जी। आइए मैं आइए देखिए जी, मैं जब आगे बढ़ा देखा, भाई साहब क्या नाम है आपका? वैभव मिश्रा नाम है हमारा। तो आप वर्तमान सरकार के बारे में या सरकारें कौन आ सकती हैं, क्या करते हैं आप? देखिए मैं तो वैसे स्टूडेंट हूँ, LLB हमारा जो है थर्ड सेमेस्टर मतलब जो है और एग्ज़ाम दिया हूँ। लेकिन जिस तरीके से इस सरकार में नौजवानों का शोषण हुआ, किसानों का शोषण हुआ, व्यापारियों का भी शोषण हुआ, अब मजलूमों का, दलितों का, कोई ऐसा समाज नहीं जो पीड़ित ना, किसान परेशान है इनके जान। अरे अभी एक मास्टर साहब कह रहे थे कि दलित बेटियों दलितों को बड़ा अन्न दिया जा रहा है, बड़ा सहयोग किया जा रहा है। देखिए अन्न देने से देखिए क्या है कि ये देश जो है गुलामी की तरफ जो है ये धकेल रहे हैं। अन्न बांटने से काम नहीं चलेगा, आप रोजगार दे दीजिए, उतना अन्न तो हम लोग खरीद लेंगे और उसके साथ साथ हम अपना स्वास्थ्य और शिक्षा सब चीजों पर ध्यान दे देंगे। लेकिन जिस तरीके से इस सरकार ने, जैसे अभी किसी ने कहा कि जो है ब्राह्मण, आपने क्वेश्चन किया ब्राह्मण ये हो रहा है उनके नेता कह रहे हैं ब्राह्मण उनके साथ है, नहीं ये गलत बात है। ब्राह्मण वही लोग उनके साथ हैं जो उनके दल में हैं, लेकिन जो मतदाता है वो उनके साथ नहीं है। आप बताइए एक ऐसा मुख्यमंत्री, जब जनता ने वोट किया तो ये नहीं देखा कि हम किसको वोट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, उनका कहीं नाम नहीं था, मुख्यमंत्री बना दिया गया उनको। 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 20 राज्य में कोई एक बता दे मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो, जब ब्राह्मण काबिल नहीं। और दूसरी तरफ आपके उत्तर प्रदेश में सचिव ब्राह्मण है, एक मत सचिव और डिप्टी सीएम वो उनकी मजबूरी है सबसे ज्यादा। मैं कह रहा हूँ ये माननीय श्रीमती रीता बहुड़ा जोशी जी कहती हैं 12% ब्राह्मण बीजेपी को वोट करता रहा है अभी तक, सबसे ज्यादा उनका मूल वोटर 12% ब्राह्मण है। तो 12% ब्राह्मण नहीं इनके साथ? नहीं उनके साथ नहीं है आज की डेट में, उनके पास सच्चाई ये है 94% जो है मतदाता दूसरे दल के साथ जा रहे हैं, 6% लोग उनके साथ हैं। आप समर्थन किसका? हमारा समर्थन सारे नौजवानों का समर्थन और उत्तर प्रदेश की आवाम का समर्थन पुनः जो है क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इनको हरा सकती है और पुनः विकास के रास्ते उत्तर प्रदेश को। समाजवादी पार्टी सरकार पे बहुत सारे आरोप लगे कि जब उनकी सरकारें रही तो PCS में जो रिजल्ट आया और PCS का रिजल्ट आया और सारे विभागों में जो रिजल्ट आया उसमें यादव बाहुल क्षेत्रों में यादों को बड़ा समर्थन दिया गया। देखिए इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आरोप लगाना किसी के ऊपर भी कोई आरोप लगा सकता है, लेकिन जिस तरीके से कोई जी, आप क्या कह रहे हैं बताइए? हम ये कह रहे हैं पहले हम MP त्रिपाठी एडवोकेट जी ये वकील उनके साथ इसलिए नहीं है कि उन्होंने जो बम ब्लास्ट किए थे कचहरी में जा करके उनका मुकदमा वापस लिया था। अच्छा, सपा सरकार ने अभी एक वकील साहब मिले थे दिवाली न्यायालय के, वो ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ जितने बार की बिल्डिंगें बनी हैं वो सब माननीय मुलायम जी ने बनाया है। नहीं सब उन्होंने नहीं बनाया, सब उन्होंने नहीं बनाया, सब उन्होंने सब बिल्डिंगें और सुनिए इन पर ये आरोप लगता है कि अधिवक्ताओं के लिए इन्होंने 5 वर्ष कुछ नहीं किया। अरे वो अधिवक्ता कल्याण ने 5 लाख कर दिया,
योगी जी ने, योगी जी ने 5 लाख कर दिया है और क्या। अच्छा, हर अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख ये है। हाँ, दुर्घटना नहीं। हाँ जी, वो कल्याण निधि वो जमा करें जो 400 रुपया महीना सालाना, इन्होंने नहीं किया। काहे नहीं किया? इनके विधायकों ने यहाँ क्या कहते हैं 3 सेट ये वो सब दिया, अपनी सीट पे क्या बैठे। मतलब आप वर्तमान सरकार से खुश हैं, आने वाली सरकार किसकी सरकार होगी क्या कुछ बता पाएंगे आप? हाँ, बता पाएंगे, योगी की सरकार बनेगी, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। इन पर, इन्हें पंडित जी आप ब्राह्मण हैं, इन पर ये आरोप लगते रहे कि ये ठाकुरों का बड़ा समर्थन किए, ब्राह्मणों को इन्होंने इग्नोर कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, योगी कहना बंद करिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है हमारे प्रधानमंत्री जी, योगी जी, नाम बताइए आप। देखिए, नाम से कभी मत करिए इसको, एक चीज बता दूं। नहीं नहीं, ये नहीं, आप बताएंगे? नहीं नहीं, मैं एक चीज बता दिए आप, मैं हेमंत हूँ, हेमंत हूँ, लेकिन जात मत। क्या करते हैं, क्या करते हैं? मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक हूँ। जात पूछना हो, जात पूछ के सुनिए पहले। नहीं नहीं, जात पूछना नहीं, जात पूछना हो तो कभी कमेंट मत करिएगा, चाहे हरिजन हो चाहे वो, हम भारत के वासी हैं। पहली बात, आप जैसे समर्थन किसका? हाँ, मैं समर्थन करता हूँ उस व्यक्ति का, उस पार्टी का जो सबको लेके साथ चलती हो, सारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को। कौन सी पार्टी? देखिए, एक चीज है, योगी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन आपने जो आरक्षण दिया, आरक्षण में चाहे 69,000 का हो, चाहे 68,000 का हो, चाहे जो है उसमें जो है। आप शायद में बेसिक के कोई नेता होता भी है क्या? बेसिक में नेता ही हूँ। अच्छा, हम लोग उसी सरकार की समर्थन करेंगे जो पुरानी पेंशन की बात करेगा, जैसे अखिलेश जी ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाल करने का। हम लोग उनको समर्थन करेंगे। सरकार किसकी बना रहे हैं? सरकार हम लोग अखिलेश की बनाएंगे, पुरानी पेंशन जो लागू करेगा उसकी बनाएंगे। हर व्यक्ति को सबसे बड़ा चुनावी स्टंट में ये दिखाई देते मिल रहा है कि मैं बेरोजगारों का सबसे बड़ा समर्थन, जो बेरोजगारों की को रोजगार देता हुआ नजर आएगा हम उसी का समर्थन करेंगे। और अभी हमारे बेसिक शिक्षक संघ के कोई नेता बंधु हैं, ये बता रहे हैं, हेमंत जी बताते हैं कि आप जातियों से कोई गणना मत करिए। महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हर सरकारें केवल जातियों की बातें करती हैं। देखिए, जात चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात, हमारा भी मानना है, चाहे आप समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, जातिवाद पहले भी था। माननीय बहन जी पे आरोप लगते रहे कि जो टिकटों को वितरण है वो पैसा को लेकर वितरण करती है। ये बात सही है, ये बात सही है। तो ये किसके लिए? जनगणना होनी चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि इसको बिना जातियों को मिटा नहीं पाएगा। जब आपका सचिव किस जात के विधायक है, किस जात के जो है ओबीसी का जो है अगर सेक्रेटरी है, उसमें आरक्षण है, सारी चीजें बिना जात के कोई हो ही नहीं सकता। 15 भर्ती हुई और 15 में से 13 लोगों को एक जात विशेष का हुआ, जिसका माननीय नेताजी और अखिलेश यादव ने विरोध भी किया। आपके शिक्षा मंत्री जी की बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, बेसिक शिक्षा मंत्री जी नहीं, वो माध्यमिक की है नियुक्ति हुई है, माध्यमिक नियुक्ति, डिग्री कॉलेजों में नियुक्ति हुई। और जिसको ब्रिजेश, आपके भाजपा के माननीय विधायक ब्रिजेश प्रजापति ने भी विरोध किया और माननीय योगी जी के साथ इस चीज को कहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इस वजह से हम लोग कर्मचारी अधिकारी और जितने भी हमारे वो हैं, हम लोग उस सरकार। आप बहुत देर से खड़े नजर आ रहे हैं, मैंने सोचा आपसे भी कुछ पूछ लूं। देखिए, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। किस विधानसभा से बिलोंग करते हैं? मैं शहर से बिलोंग करता हूँ जी। आपका कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं जो विकास करेगा हम उसके साथ हैं, हम जातवाद के साथ नहीं। विकास कौन कर रहा है? विकास जो कर रहा है वर्तमान सरकार, विकास कर रही है? नहीं, आपके कहने से कर रही है कि नहीं, लेकिन हमारे कहने से जो करने वाला चीज है वो आप खुद ही देख रहे हैं, चाहे 2022 का इलेक्शन हो चाहे पीछे का इलेक्शन हो, कम से कम इस सरकार में गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है, आतंक तो नहीं मचा है। ये अभी अभी एक मंत्री जी पर किसानों ने आरोप लगाया, किसानों के ऊपर उन्होंने गाड़ियां चढ़वा दी, इन्हीं के मंत्री जी ने गाड़ी नहीं, नहीं, मंत्री जी का नहीं, नहीं, तो आप गुंडा कर दी अगर इन्हीं का मंत्री नहीं, जो है जो 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 2017 के पहले बम ब्लास्ट होता था यूपी में, इस 5 साल में कितने बम ब्लास्ट हुए हैं ये बताइए, यूपी में 5 बम ब्लास्ट कितने हुए हैं? दूसरी चीज बात अगर करें, इस कोई भी हो, कोई भी सरकार, हर किसी को कहीं ना कहीं उसकी जो काम करता है उसकी बुराई होती है, जो काम ही नहीं करेगा उसकी बुराई नहीं होगी। ये 112 पे कुछ बताएंगे कि ये 100 नंबर अखिलेश जी ने दिया, अभी लोगों ने बताया कि हाँ ये है, 2-3 चीजें उनकी अच्छी है, हम वोटर हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं। 112 उन्होंने दिया, ठीक है, 100 नंबर का 112 किया, वो एक क्या इन्होंने भी ऐसा कुछ सार्वजनिक तौर पे कुछ ऐसा दिया समाज को जिससे हर तबके के लोगों का विकास हो? आपको अगर विकास की बात की जाए
जो कोरोना में अपने बेचारा रोजगार से खत्म था, वो राशन पाता था जिसको खाने के लिए नहीं था, ये क्या अच्छी चीज नहीं है? मतलब देखने को मिला है कि बहुत सारे लोग पैदल यात्रा किए हैं, पैदल चलते चलते खाने भी ना मर गए। नहीं, अगर 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 उसकी बात की जाए, आपातकालीन में कुछ भी हो सकता है, आपातकालीन में कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको दिखाया चुनावी स्टंट के बारे में, लोगों के विचार अलग अलग हैं। निश्चित रूप से वर्तमान सरकार से कुछ ऐसे बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध लोग नाराज हैं कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस सरकार को नुकसान पहुंच सकता है। लाइव टीवी समाचार से अनिल अग्रहरी कैमरामैन के साथ जयशंकर दुबे सुल्तानपुर।